लखनऊ नगर निगम शहर के टीले वाली मस्जिद के सामने लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित करने के प्रस्ताव के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। बीजेपी के दो पार्षदों के प्रस्ताव के बाद उलेमाओं ने कहा है कि मूर्ति के बनने से धार्मिक कार्यों पर असर होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि टीले वाली जगह का नाम लक्ष्मण टीला था, इसलिए वहां पर लक्ष्मण की मूर्ति लगाने पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास लक्ष्मण की मूर्ति लगाने के प्रस्ताव पर विवाद हो गया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के दो पार्षदों ने टीले वाली मस्जिद के पास चौराहे पर लक्ष्मण की मूर्ति का प्रस्ताव दिया था। बीजेपी के मूर्ति लगाने के प्रस्ताव पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है। बीजेपी का तर्क है कि टीले वाली मस्जिद की जगह का नाम लक्ष्मण टीला था और लखनऊ का इतिहास लक्ष्मण से जुड़ा है, इसलिए वहां मूर्ति लगनी चाहिए। दरअसल बीजेपी ने लालजी टंडन की किताब के हवाले से दावा किया है। लालजी टंडन ने मस्जिद की जगह लक्ष्मण टीले का दावा किया था और उस पर एक किताब भी लिखी थी। इसका विरोध करने वाले मौलाना और उलेमा ने कहा है कि मूर्ति के सामने या पीछे नमाज नहीं हो सकती है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक बीजेपी सियासी फायदे के लिए विवाद चाहती है। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ लॉन्च हुई थी। इसमें लिखा है कि लक्ष्मण टीला को तोड़कर वहां टीले वाली मस्जिद बनवाई गई थी। मस्जिद के सामने चौराहे पर लक्ष्मण की मूर्ति का प्रस्ताव लाने वाले बीजेपी पार्षद दल के नेता रामकृष्ण यादव का कहना है कि यह जगह लक्ष्मण टीले के तौर पर ही इतिहास में दर्ज है। का जो इतिहास है वो वीरवर लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ है और इस इतिहास को आम जनमानस आने वाली पीढ़ियां भूल लेना जिनकी जानकारी में रहे और लक्ष्मणपुरी लखनपुरी नखलऊ लखनऊ एक लंबी यात्रा होते हुए लखनऊ यहाँ तक आया है तो लक्ष्मण जी के एक उनका इतिहास एक के शिलालेख लगाने का और एक प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव माननीय नगर निगम की कार्यकारिणी में हम लोगों ने दिया। देखिए लखनऊ में अगर आप पुराने लोगों से मिलेंगे तो ये ज़रूर कहते हैं कि लक्ष्मण टीला कहा जाता था। टंडन जी की किताब में आया ये बात हम लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से जानी, लेकिन हम लोग तो मैं लखनऊ का मूल निवासी हूँ, अपने गाँव में तमाम पुरखों से मैंने इस चीज़ों को सुना, बुजुर्गों से सुना कि लक्ष्मण टीला था वो, लेकिन उससे और इस प्रतिमा लगाने से कोई ऐसा मेरी नज़र में नहीं कोई विवाद है, ना ही हम लोगों ने कोई सोच समझ के ऐसा कुछ किया है। तो बीजेपी के प्रस्ताव पर मस्जिद के इमाम ने कहा है कि जहां मूर्ति होती है उसके पास नमाज नहीं की जाती है और यही कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि अगर कोई भी स्टेचू लग जाएगा, कोई भी मूर्ति लग जाएगी, कोई भी किसी का भी कोई तस्वीर लग जाएगी तो उसके पीछे जो नमाज होती है वो नमाज नहीं होगी। ये हमारे लिए बड़ा अहम मसला है कि जब नमाज नहीं होगी तो इसलिए उसके किसी भी तस्वीर के आगे किसी भी स्टेचू के आगे नमाज नहीं होती है तो इसलिए हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। स्टेचू लगना मूर्ति लगना कोई मसला नहीं है, कहीं भी लगे, मगर वहाँ उस तिगुनिया पार्क में जो आज बरसों से मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरे पास अखबारात की कटिंग मौजूद है कि वो उस तिगुनिया पार्क में जुमतुल विदा की नमाज़ होती है, ईदेन की नमाज़ होती है और सरकारी उस अफसरान के बैठने के लिए वहाँ पर एक कैंप लगता है शामियाना वगैरह, और आज से नहीं बहुत दिनों से ये मामला है और इसलिए वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई स्टेचू लगे। तो चौराहे पर मूर्ति लगाने के प्रस्ताव को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राजनीतिक बताया है और कहा है कि चुनाव से पहले सियासी फायदे के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। सुनिए सर, ये भी ऐसा ही प्रस्ताव है जिसको रखा गया है सिर्फ इसलिए अगर मुसलमान इसकी मुखालफत करें तो इशू बन जाए और ये एक इलेक्शन इशू बन जाए, तो इसका भी मकसद है। लेकिन अभी मुसलमान क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता, चूँकि ये इशू ऐसा है कि सारे मुसलमानों से कंसर्न है, अभी इस पर कोई मशवरा नहीं हुआ है। टीले वाली मस्जिद के इमाम साहब से भी बात नहीं हुई और लखनऊ के दीगर मुसलमानों से जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात नहीं हुई है। चूँकि ऐसे मौके पर आया है कि पर्सनल बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है 15 जुलाई को, हो सकता है कि ये मामला कुछ लोग वहाँ भी उठाएँ कि इस पर क्या स्टैंड हो। लेकिन लक्ष्मण जी की मूर्ति कहीं लगे हमें क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन चूँकि उसी टील मस्जिद के सामने लगाने के बाद की जा रही है तो उसकी एक रिलेवेंस हो सकती है कि हमें गौर करना पड़ेगा। वो सिद्ध कर देंगे तो वहाँ मस्जिद को तो हटाया जा सकता है, क्योंकि मस्जिद का कोई एक जगह नहीं है, ये हिंदूकरण हो गया मुसलमानों का।
जो कहते हैं मस्जिद यही होगा और कहीं नहीं होगा, हाँ ये तो हिंदूकरण के कारण हो रहा है, वो तो मूर्ति पूजा में आ गए। मैं कहता हूँ मस्जिद को कभी भी हटाया जा सकता है सार्वजनिक हित के लिए, और अनेक मुसलमान देशों में करते हैं। ये पहले एक मंदिर था, एक लक्ष्मण, लखनऊ तो लक्ष्मणपुरी से ही आया था, तो उस लक्ष्मणपुरी के जो एक स्टैचू थी, मूर्ति थी, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया, तो मस्जिद को हटाना चाहिए, कहीं और ले जाना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद के मुताबिक लखनऊ का माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश हो रही है मूर्ति लगाने के बहाने। हम समझते हैं कि अपना ये अदब व तहजीब का शहर जो लखनऊ है, जो पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, और यहाँ हिंदू और मुसलमान आज से नहीं बरसों से ना सिर्फ ये कि रहते चले आ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के मजहबी जज्बात का पास और लिहाज भी रखते हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में बराबर से शरीक भी होते हैं, लिहाजा ऐसे माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना की जाए और मूर्ति को कहीं और मोहब्बत के साथ शिफ्ट कर लिया जाए, तो हम ये समझते हैं ये पूरे शहर के लिए बेहतर होगा।